जगबनी टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं हां कवलजीत कंबोज, जिथे कि पुलिस वालों वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे थे नशा तस्करी नूं खत्म करन ते नशे नूं खत्म करन दे, तां उसे दे तहत जिहड़ा कि अज वड्डी तादाद दे विच वड्डे पुलिस अधिकारियों दे तरफ तों पटियाला दे रोड़ी कोटी इलाके दे विच रेड की जा रही है, सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है पुलिस का, लगभग 3 बजे तक जिहड़ी है सर्च चलेगी। तो वड्डे पुलिस अधिकारी इत्थे पहुंचे हुए ने, जिस तरह SSP की गल कर दी है पटियाला दे, चाहे SP सिटी की गल कर लिए, चाहे DSP अधिकारियों की गल कर लिए, उस रैंक के अधिकारी जिहड़े कि इत्थे सर्चिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरे इलाके नूं जिहड़ा कि सील किया हुआ है, घरां दे विच जिहड़ी पुलिस जिहड़ी है बढ़ चुकी है, तो जिहड़ी चैकिंग है कितना कितों चलती नजर आ रही है। तस्वीरां दिखावांगे ये इलाके दीआं कि किस तरह वड्डे पद्धर ते जिहड़ी पुलिस है उरे तलाशी लैंदी हुई नजर आ रही है। तो यह इलाका जिहड़ा कि रोड़ी कुट्टी इसनूं इस करके किया जाता है क्योंकि लोग जिहड़े इत्थे दे रहण वाले ने तो वह रोड़ी कुट के जिहड़ा कि अपने घर का गुजारा करते हैं, तो इस करके इस इलाके नूं रोड़ी कुट किया जाता है। तस्वीरां इस इलाके की देख रहे हो तुसीं, जिथे कि सर्चिंग ऑपरेशन जिहड़ा है पुलिस वालों किया जा रहा है, तो वड्डी संख्या के विच जिहड़े पुलिस अधिकारी जिहड़े ने इत्थे पहुंचे हुए ने, तो लगातार तस्वीरां देख रहे हो तुसीं ये जगबन टीवी ते कि किस तरह पुलिस जिहड़ी है उरे सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। लोग भी इतने मौजूद ने, तो भी गलबात कर रहे ने, गल करते हैं होंदा जी होंदा होंदा जी होंदा। जिस तरह पुलिस उरे आई थी कि कुछ पूछा गया किसे तो पता नहीं जी, मैं तो पूछा कि पूछा, मैं तो हुने आई हूं कोठे जो। अच्छा चेकन कर रहे थे मतलब जी कपड़े, तुम जितना मर्जी रेल देख लो, मतलब किस तरह देख लो पुलिस जी चेकिंग कर रही है घर नशा तस्करी खत्म करने की गल की जा रही है, किस तरह देख रहे हैं? पता नहीं मैंने किस तरह देखते हैं जी, इन्हें नहीं पता होना, असि तो कोई कभी काम करे नहीं, मतलब वधिया प्रालाडी पुलिस चेकिंग कर रही है। ठीक है वधिया चेकिंग कर रही, वधिया ही है चंगा, मैं तो कहा किसी के घर में लिकड़े फिर लगेगा उन्हें पता भी कि मैं बेच दे। हाँ बिकरा बिकरा जी बिकरा, पर गांजा दारू बस यही बिकरा जी, और तो मैंने पता नहीं क्या पता कितों लेके आंदे, इन्हें कई बंदे लेके आंदे, बंदे सारे घर बेच रहे, पिछे के भी इधर अगे के भी इधर के भी सारे बेच रहे, सारे ही बेचते हैं, नशा जरूर विकता है, जिस तरह गांजे की गल कर लिए चाहे दारू की गल कर लिए, इतो इलाके के लोग जेडे की ओही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नशा जरूर विकता इतने घर, तो तस्वीर दिखावांगे एक बार फिर तो कि किस तरह इस जिहड़े इलाके दे विच घर बने हुए ने, तो इन्हां घरां दे विच ही कहा जा रहा है कि नशा विकदा है। तो पिछले लंबे समय तो पुलिस इत्थे रेड करदी आ रही है, कई बार पुलिस नाकाम भी रही है, कुछ बरामद भी नहीं हुंदा हैगा, तो लेकिन अज पुलिस जिहड़ी है वड्डे अधिकारी जिहड़े ने खुद इत्थे रेड करन दे लई पहुंचे ने, ते घरां दे विच पुलिस निकलदी हुई नजर आ रही है। तस्वीरां दिखा दिंदे आ कि पुलिस मुलाजम जिहड़े ने घर की तलाशी लैके नीचे उतर रहे ने, तो वड्डी संख्या दे विच इत्थे पुलिस अधिकारी पहुंचे ने, वड्डे अधिकारी जिस तरह गल कर लईए DSP उन्हां दी, चाहे SSP उन्हां दी, चाहे SP सिटी उन्हां दी, तां वड्डी तादाद दे विच तकरीबन 1000 के करीब जिहड़े पुलिस अधिकारी ने इत्थे पहुंचे हुए ने। इलाके की तस्वीरां दिखा देने इस तरफ दियां, इतने होर भी लोग मौजूद ने, जिस तरह पुलिस चैकिंग कर रही है तो भी लोग परेशान ने, उन्होंने कहना है कि साडे बच्चों का भविष्य कितने कितने खतरे के भी है, तो गलबात कर लेने की नाम है तुम्हारा? शिवा नाम है जी सर मेरा। किस तरह देख दो जी पुलिस चैकिंग कर रही है और तलाशी ली जा रही है हर घर की, किया जा रहा है कि नशा तस्करा छड्डिया नहीं जाएगा हूँ? सर इस तरह जी यहाँ इस महल के दारू गांजा सब तो ज्यादा बिक रहा है सर, ता करके पुलिस इस करके चेकिंग कर रही है सर, जो कुछ सुधार हो सके, तो कुछ घर इस तरह के जेडे काम करते हैं कोई नहीं करते जी, जिस तरह असि सर असि तो अपना रोड़ी का काम कर रहे सर, तो कुछ इस तरह का काम है और अस दो नंबर जो काम कर रहे उन्होंने काम के कारण साडा भी बच्चा का थोड़ा भविख थोड़ा जहा खराब हो चुका है, जिस तरह का उरे का रिकॉर्ड है, जिस तरह का कल आने वाले बच्चे साढ़े भी बड़े हो गए, इस तरह का जो नशा बेच रहे हैं साढ़े बच्चे नशे के लग जाए, सू इस करके माड़ा डर है, तो पुलिस इस तरह ही रोज सख्त कर ऑपरेशन चलावे ना जी, थोड़ा जहा सुधार हो चुकेगा जी, मतलब रोज जेकर पुलिस इस तरह मतलब सर्चिंग करे तो मतलब सुधार हो सकता है, इतना बिल्कुल सुधार होगा जी, जो पुलिस इस तरह सख्त इस तरह ऑपरेशन चलाओगी ना तो सब तो वधिया सुधार हो जाएगा जी। किन्ने के घर जिहड़े ने उरे नशा वेचदे ने, तुसीं भी इत्थे तां रहण वाले हो, तुहानूं पता होएगा कुछ? सर कुछ आधे घर ने इस तरह दे, कुछ नहीं काम कर रहे ने, कुछ आधे कर रहे ने जी काम। तस्वीरां दिखा दिंदे कि पुलिस जिहड़ी है उरे पहुंच चुकी है, लगातार सर्चिंग है जिहड़ी कितना कितने चल रही है, यह तस्वीरां जगबन टीवी ते दिखा रहे किस तरह पुलिस जिहड़ी है वड्डी गिणती दे विच वड्डी संख्या दे विच जिहड़ी कि पूरे घरां दी तलाशी लै रही है, तो घरां दे विच जिहड़ी है पुलिस हुण फिर तो जिहड़ी है तलाशी ते तुर पई है, तो कहा जा रहा है कि अज 3 बजे तक जिहड़ी है उरे सर्चिंग चलेगी। ये तस्वीरां जिहड़ियां ने घर दीआं देख रहे हो तुसीं कि पुलिस जिहड़ी है हुण अंदर
जाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं जबल की जीते किस तरह जी पुलिस है वो तलाशी ले रही है घर जी चैकिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि किसी भी नशा तस्कर नू छड्या नहीं जाएगा। तो आज जी सर्चिंग ऑपरेशन रोड़ी कुट मुहल्ले दे विच चल रही है। पुलिस वड्डी संख्या दे विच जी है तलाशी लैंदी हुई नजर आ रही है। पहला भी कई बार पुलिस वालों इस इलाके दे विच रेड की गई है। कई बार जेडे कि उरे नशा भी जेड़ा बरामद किया गया सी। पिछली बार दारू भी जी है वड्डी संख्या दे विच जी पुलिस वालों पेटियां दे पेटियां जी बरामद की गई सी। तो हुण जेड़ा है वह कहा जा रहा है कि उरे गांजे की पूड़ियां ते दारू। ये तस्वीर देख रहे हो कि एक घर दे विच जी है पुलिस हुण दाखिल हुई है। तो उत्थे जी है चैकिंग की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी नशा तस्कर नूं हुण छड्डिया नहीं जाएगा। तो अज पुलिस वालों जी है नशे की बरामदगी दे लई जी है वह सर्चिंग की जा रही है। रोड़ी कोटी इलाके दे विच सारी रेड चल रही है। तो जिते कि वड्डे अधिकारी जिहड़े पुलिस वड्डे अधिकारी जिहड़े ने वह शामिल ने। तो हर घर की जी तलाशी लई जा रही है। तस्वीर देख रहे हो कि अंदर महिलावां घर दे विच मौजूद ने। तो महिला पुलिस अधिकारी जेंट्स पुलिस अधिकारी जिहड़े ने वह इत्थे मौजूद ने। तो हर घर की जी तलाशी लई जा रही है। तो देख सकते हो कि हर इलाके दे विच जिहड़ी है उरे रोड़ी कोटी इलाके दे जिन्नियां भी गलियां ने तो उत्थे पुलिस दी है जी चप्पे चप्पे से तैनात हुई पई है। तो हर घर की जी बरीकी जांच की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसी भी नशा तस्कर हूँ बख्शा नहीं जाएगा। तो वड्डे पद्धर से जी पुलिस अधिकारी जड़े ने उरे मौजूद ने। देख रहे हो कि घर की तलाशी तो बाद जी हम बाहर आ रहे हैं। तस्वीर देख रहे हो घर दी कि घर जी पुलिस अधिकारी जो सारे ने हूँ बाहर आए हैं। तो कितने कितने जी चैकिंग है वह वड्डे पद्धर तक चलती हुई नज़र आ रही। कहा जा रहा है कि किसी भी नशा तस्कर हूँ बख्शा नहीं जाएगा। तो सख्त कार्रवाई जी है नशा तस्करों के खिलाफ की जाएगी। तो पहला भी जी पुलिस वालों इस इलाके दे विच कई बार रेड की गई है। तो कई बार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि इस घर के जी है वड्डी संख्या के पुलिस जी है चैकिंग करती हुई नजर आ रही है। तस्वीर दिखा देने घर दियाँ कि किस पद्धर पर जी और जांच चल रही है। तो पुलिस अधिकारी जड़े ने हूँ कितना कितने बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो हर घर की जी है बरीकी जांच की जा रही है। घर दियां तस्वीरां दिखा दें जिथे कि पुलिस वालों सर्चिंग ऑपरेशन की जा रही है। तो अंदर की तस्वीरां दिखावांगे किस तरह जी पुलिस वड्डे पद्धर ते जी बरीकी दे नाल जांच कर रही है। तो हर घर की जी तलाशी ली जा रही है। ये तस्वीरां दिखावांगे अंदर दी किस तरह जी पुलिस है वह जांच कर रही है। तो वड्डे पद्धर ते जी है पुलिस हुण घर दे विच दाखल हो चुकी है। तो घर की जी तलाशी ली जा रही है। तस्वीरां देख रहे हो तुसीं जगबाणी टीवी ते कि किस पद्धर ते जी पुलिस है वह जांच कर रही है। तो जिस तरह डी जी पी पंजाब गौरव यादव ने पहले ही कह दिया सीगा कि हुण किसी नूं भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जी अज जी है वह तलाशी चल रही है। तो अंदर की तस्वीर दिखावे किस तरह जी है पुलिस वालों बरीकी दे नाल जांच की जा रही है। देख सकते हो कि बैड जड़े ने वह चैक किए जा रहे हैं। तो हर जी है तलाशी ली जा रही है। तो यह तस्वीर जगबाणी टीवी दिखा रहे हैं किस तरह जी है पुलिस जांच कर रही है। पहले ही गौरव यादव जिहड़े डी जी पी पंजाब ने तो उन्होंने पहले ही कह दिया सीगा कि किसी नूं भी हुण बख्शिया नहीं जाएगा। तो हर दे उपर जी हर नशा तस्कर के उपर जी है कार्रवाई होगी। तो हुण जी पुलिस है हरकत दे विच आई है। तो हुण तलाशी जी है हर घर की ली जा रही है। तो कितने ना कितने बरीकी दे नाल जी जांच है वह की जा रही है। तो हर तुसीं देख सकते हो तस्वीर कि किस पद्धर से जी पुलिस है वह जांच कर रही है। तो किसी नूं भी जिहड़ा हुण कहा जा रहा है कि बख्शिया नहीं जाएगा। तो रोड़ी कुट मुहल्ले दे विच जी पहला भी कई बार रेड हुई है। तो अज भी जी है रेड चल रही है। तस्वीर जगबाणी टीवी दिखा रहे हैं लगातार जी पुलिस है हर घर की जांच कर रही है। तस्वीर देख सकते हो तुम किस पद्धर से जी पुलिस है वह जांच कर रही है। तो वड्डे पुलिस अधिकारी DSP SSP SP सिटी से कह सकते हैं कि SP होनी जेडे कि हर घर की तलाशी लेंदे हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर एक बार फिर तो दिखावे किस तरह जी है पुलिस जांच कर रही है। तो हर घर की जी है बरीके जांच हो रही है। कहा जा रहा है कि किसी इलाके के पिछले नशा बिकता है जिस तरह उरे इलाके के लोगों ने भी दसिया है कि सानू अपने बच्चों के भविष्य का भी डर है कि कित वो वड्डे होकर इस तरह नशा ना लैन लग पन या बेचन लग पन।
तस्वीर देख सकते हो कि लेडी कॉन्सटेबल पुलिस अधिकारी जड़े ने इस घर जांच कर रहे हैं। बरीकी के नाल जांच हो रही है तो हर घर की तलाशी ली जा रही है। कई बार पुलिस ने इत्थे चैकिंग भी की है लेकिन कुछ बरामदगी नहीं होंगी। अज भी उस तरह का लग रहा है कि कुछ बरामदगी जी हाले तक पुलिस के हाथ नहीं लगी क्योंकि पुलिस अधिकारी जड़े ने जांच कर रहे हैं। क्योंकि दो व्यक्ति जड़े ने शक्की और पुलिस ने अपने हिरासत के लिए ने तो इस इलाके लगातार रेड जी चल रही है तो पुलिस वालों वड्डे पद्धर से जी है रेड की जा रही है। तो दो शख्स जड़े ने शक्की जड़े हूँ पुलिस ने अपने कब्जे के लिए ने जिन्हों तस्वीर जड़िया ने तुम देख सकते हो। इधरों तस्वीर देख सकते हो कि SSP पटियाला जो दीपक पारिक ने वो खुद मौके पर फिरोड़ी गुट मोहल्ले को चारे पास घेर के सील करके उस बाद 200 लगा के कार्रवाई की जा रही है। इन्हें कुछ रिकवरियां भी हो रही ने तो हले ऑपरेशन जारी है। बाकी ब्रीफिंग तुम ऑपरेशन खत्म होने तो बाद डीजीपी साहब की सानू सख्त हिदायत हैगी है ये आगे भी इस तरीके की कार्रवाई जारी रहेगी। मानयोग CM साहब का जिहड़ा ये हैगा एक कि असी पंजाब नू नशा मुक्त करिए उस लड़ी दे विच इस तरीके दे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। मुढ़ली जांच कुछ बरामद होया और बरामद हो रहे ने बरामदगियां जिहड़ी हैगी है एक बार ऑपरेशन पूरा होने के बाद दसांगे पहला एक बार ऑपरेशन कंप्लीट कर लें। सर कुछ लोग हिरासत वो सारी जानकारी तुहानू ऑपरेशन तो बाद देवांगे। बिल्कुल देख सकते हो कि किया जा रहा है कि पहला अजे सर्च चल रही है तो उसके बाद ही कुछ जानकारी दी जाएगी लेकिन वड्डी संख्या के जी पुलिस है वो SSP पटियाला होने जे पहुंच चुके हैं तो लगातार चैकिंग है जी चल रही है। तो देख सकते हो तस्वीर ये रोड़ी कुट मोहल्ले की तस्वीर ने जिथे कि पुलिस जी है सर्च ऑपरेशन कर रही है। तो लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं जगबनी TV कि किस तरह वड्डे पद्धर के पुलिस अधिकारी जड़े ने नशे का खात्मा करने के लिए जी है सर्चिंग ऑपरेशन जी है पटियाला के मुख्य इलाके रोड़ी कुट जरा कि सब तो मशहूर इलाका है जिथे कि किया जाता कि नशा सप्लाई होंगी है तो नशा तस्कर जड़े ने उरे रेंदे ने तो उस इलाके जी है पुलिस वालों चप्पे चप्पे के पुलिस तैनात करके नाकाबंदी की गई है तो रेड जी है लगातार चल रही है। तस्वीर दिखा देने अगे जाकर फिर तो कि किस पद्धर से जी पुलिस है उरे रेड कर रही है तो पुलिस अधिकारी जड़े ने उरे मौजूद ने तो इलाके जड़े ने SSP हूँ खुद दाखिल हो चुके हैं तो लगातार रेड जी चलती हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर देख सकते हो कि घर की तलाशी जी है वो चल रही है लगातार जी है पुलिस इस रोड़ी कुट इलाके जी है सर्चिंग ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। तो किया जा रहा है कि कुछ बरामदगियां भी हो रही ने तो होर जी बरामदगियां करने के लिए जी है पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही है। ये लगातार तस्वीर देख रहे हो जगबनी TV के किस तरह जी पुलिस वड्डे पद्धर से हूँ घर मुड़ फिर तो दाखिल होगी जांच जी है वो की जा रही है हर घर की जी बरीकी के नाल तलाशी ली जा रही है। देख सकते हो कि बच्चों की जी तलाशी है वो कितना कितने महिला पुलिसकर्मी जड़े ने लेंदे हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर रोड़ी कुट मोहल्ले दियां ने जिथे कि पुलिस वालों पहला भी कई बार तलाशी ली गई है तो हूँ फिर तो जी है उरे जांच चल रही है। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰੋਡ ਕੁੱਟ ਮੱਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
जिस तरह सुनिया तुसी एसएसपी दीपक पारी का कहना सीगा कि किसी भी नशा तस्कर नूं बख्शिया नहीं जाएगा, इस महल के जिहड़े लोग ने निवासी ने तो वह साडे नाल ने, कई लोग परेशान भी हो रहे हैं। उन्होंने कहना है कि कुछ के लोग जिहड़े इत्थे नशा वेचदे ने लेकिन सारा महला नहीं नशा वेचदा, तो बच्चों का भविख भी खतरे दस्या सीगा कुछ लोगों ने इत्थे, तो होर भी लोग साडे नाल गलबात कर लैणे। उन्होंने की नाम है? नाम बिंटू कुमार जी। किस तरह वेख रहे हो पुलिस अज वड्डी गिनती दे विच घट्टो घट्ट भी जिहड़ी 500 दी तादाद दे विच पुलिस दे वल्लों इलाका सील किया गया, पूरा पूरा लक्कड़ मंडी भी सील है, तो इत्थे भी सर्चिंग चल रही है, किया जा रहा है डॉक्सकेट भी आन गया हुण वह भी तलाशी ली जाएगी, किस तरह वेख रहे हो चैकिंग? चेकिंग सर उ है ना, जिस टाइम आप नशा बेचते हैं तो इवें रेट पा रहे हैं, इवें रेट तो पता ही नहीं, जो बंदा कल कल नशा बेचता सर मुखबर अपने भेजन वो देखने किड़े किड़े बंदा नशा बेचते हैं, तो कल कल करके जाके फड़न सर। हूँ जिन्हें बंदे ला दे सारे बंद जो बंद काम कार आए भी वो भी बंदे परेशान हो रहे हैं सर। हूँ मैं काम से बैठे कहना अंदर जाना बाहर नहीं आन देना, मैं सर अंदर खड़े हैं, मैं बाहर काम से जाना, मैं शॉप से काम करता हूँ, बाहर नहीं जान दे रहे सर। हूँ दोस्तों मैं किमें काम करा, किस तरह करा, जो बंद बंदा कहना नशा बिकता सर बिकता बिल्कुल बिकता, कले कले बंदा एक एक बंदा भेजो, कि बंदा दे के मुखबरी करे भी कि बंदा नशा बेचता जी, कले कले बंद चकू ही मेरी गल बनती। मतलब पुलिस वालों सर्चिंग पहला भी की गई है, कई बार पहला भी तलाशी हुई है लेकिन बरामदगी नहीं होती, उसका कारण की समझते हैं? बरामदगी सर इन्होंने पहले ही पता लग जाता है भैया जी रेड पैनी है, पहली सर कुछ ना कुछ इन्हें सिस्टम बने हुए हैं, पहली फोन आ जाता सर जो रेड पैनी है भी सारे अपना समान समून सेट से रखना, बिल्कुल देख सकते हो कि इलाके पूरी तरह जी सर्चिंग कि चल रही है। SSP जो दीपक पारिक ने खुद मौके से पहुंचे हुए ने, SSP पटियाला जिला के दीपक पारिक जड़े ने उरे मौके पर पहुंचे हुए हैं, तस्वीर नजदीकी तो दिखावे जाके किस तरह जी उ सर्चिंग चल रही है। घर जड़े ने SSP पटियाला दीपक पारिक जड़े ने हूँ खुद आ चुके हैं, तो घर की तलाशी जी लीती जा रही है, तो कई ना कि कह सकते हैं कि वड्डी संख्या के पुलिस जी इस इलाके पहुंची है, तो लगातार जी घर की तलाशी ली जा रही है। DSP सौरभ जिंदल होर भी DSP जड़े ने अधिकारी उरे मौके पर मौजूद ने, लगातार पूछगिछ की जा रही है इलाके के लोगों को, तो तस्वीर देख सकते हो कि किस तरह घर जी बरीकी के नाल जांच चल रही है। SSP दीपक पारी का कहना सीगा कि उरे लगातार सर्चिंग चलेगी 3-4 बजे तक, बरामदगी जी और जी की जा रही है, तो लगातार कुछ दोषी जड़े ने जो वेचते थे तो वह भी हिरासत में ले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन रोई दे नाल कवलजीत नूं बहुत जगबानी TV पटियाला। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सब्सक्राइब करो, नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ए वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इस नूं लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।